नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे त्रिभाषा सूत्र के बारे में। ये आपका आर्टिकल इसी के संदर्भ में लिखा गया है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आप लोगों ने भी देखा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो आई हुई है, इसके बाद से फिर से चर्चा में आ चुका है। तो याद रखिए, हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बड़े विस्तार से पढ़ चुके हैं, तो आज केवल हम लोग त्रिभाषा सूत्र के बारे में ही जानेंगे। इसकी एक सामान्य पृष्ठभूमि भी देख लेंगे हम लोग, और आखिर होता क्या है त्रिभाषा सूत्र, उस पर भी बात करेंगे। त्रिभाषा सूत्र की आवश्यकता क्यों है उस पर भी बात करेंगे। इसके सामने चुनौतियां क्या है उसे भी देखेंगे। भाषा नीति पर तमिलनाडु मॉडल क्या है उसे भी देखेंगे। तमिलनाडु में हिंदी का प्रसार किस तरह से है उस पर भी बात करेंगे। भाषा संबंधी आपकी जो संविधानिक प्रावधान है उस पर भी बात करेंगे हम लोग। अगर आपके भी कुछ विचार हैं तो आप नीचे लिख सकते हैं। एक बात और याद रखिए, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है। याद रखिए, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है। आप देखते हैं दक्षिणी राज्यों में, आप देखते हैं पूर्वी राज्यों में, कई जगह आपकी हिंदी नहीं बोली जाती है, ठीक है? तो याद रखिए, अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित त्रिभाषा सूत्र को तमिलनाडु समेत अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों ने खारिज कर दिया। यह आरोप लगाया है कि त्रिभाषा सूत्र के माध्यम से सरकार शिक्षा का संस्कृतिकरण करने का प्रयास कर रही है। हिंदी भाषा की बाध्यता के विरोध कई दशक पूर्व हुए शक्तिशाली आंदोलन के बाद तमिलनाडु में द्विभाषी नीति को अपनाया गया था। वर्ष 2019 में जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा पेश किया गया था, तब भी दक्षिण भारतीय राज्यों ने स्कूलों में हिंदी की को तीसरी भाषा के रूप में बढ़ाने के प्रस्ताव को वापस लेने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाया था। आप सोचिए, इसी कारण हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी नहीं बन सकी है। आप कई राज्यों को आप देखते हैं, जैसे ही बात उठती है विरोध करने लगते हैं। त्रिभाषा मतलब हिंदी एक वहां की क्षेत्रीय भाषा, एक इंग्लिश आपकी, लेकिन वहां क्या करते हैं, तमिलनाडु या बाकी राज्यों में अपनी एक स्थानीय भाषा चुन लेते हैं। उसके बाद आप देखते हैं एक इंग्लिश दो भाषी सूत्र की बात की जाती है। जो आपकी नई शिक्षा नीति सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 के अनुकूल है, और इसका उद्देश्य 21वीं शताब्दी की आवश्यकताओं के अनुकूल स्कूल और कॉलेज की शिक्षा को अधिक समग्र लचीला बनाते हुए भारत को एक ज्ञान आधारित जीवन समाज और वैश्विक महाशक्ति में बदलकर प्रत्येक छात्र में निहित अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुभाषावाद और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए त्रिभाषा सूत्र पर बल देने का निर्णय लिया गया है। इस नीति में संपूर्ण भाषा में संपूर्ण भारत में, यानी कि फिर चाहे कोई भी आपका क्षेत्र हो, त्रिभाषा सूत्र की उपयोगिता पर बहस को फिर से प्रारंभ कर दिया है। आखिर ये आपके त्रिभाषा सूत्र आप सुन रहे हैं, ये होता क्या है? आखिर तीन भाषाओं में आप देखेंगे, एक हिंदी हो गई, अंग्रेजी, और उस संबंधित राज्य की क्षेत्रीय भाषा से संबंधित है। कहने का मतलब यह है कि आप देखिए कि हिंदी त्रिभाषा में क्या हुआ, एक हिंदी हो जाएगी और एक आपकी अंग्रेजी भाषा हो जाएगी, ये दोनों अनिवार्य रहेगी। समझ रहे? एक क्षेत्रीय भाषा जुड़ेगी कौन सी, जैसे आप सोचिए तमिलनाडु में अलग भाषा है, तमिल भाषा बोली जा रही है, नागालैंड की तरफ अलग भाषा बोली जा रही, तो वहां की भाषा स्थानीय जो भी भाषा होगी उसे लागू कर देंगे। अब चाहे आप लोग बुंदेलखंड में देख सकते हैं, बुंदेलखंडी एक उनकी स्थानीय भाषा हो गई, ठीक है? और बाकी आप देखेंगे कि हिंदी और इंग्लिश अनिवार्य रहेगी। हालांकि संपूर्ण देश में हिंदी भाषा में शिक्षण एक लंबी समय से चली आ रही व्यवस्था का हिस्सा था, लेकिन इसे सर्वप्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में एक आधिकारिक दस्तावेज के रूप में वर्गीकृत किया गया है। त्रिभाषा सूत्र कोई नया विषय नहीं है, बल्कि इसकी चर्चा स्वतंत्रता के बाद विश्वविद्यालय शिक्षा संबंधी सुझावों के लिए गठित राधा कृष्णन आयोग 1948-49 में आया था कि रिपोर्ट से ही प्रारंभ हो गई थी, जिसमें तीन भाषाओं में पढ़ाई की व्यवस्था का परामर्श दिया गया था। आयोग का कहना है कि माध्यमिक स्तर पर प्रादेशिक भाषा हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा की शिक्षा दी जाए। इसके बाद 1955 में डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर के नेतृत्व में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया, जिसने प्रादेशिक भाषा के साथ हिंदी के अध्ययन का द्विभाषा सूत्र दिया और अंग्रेजी व किसी अन्य भाषा को विकल्पी भाषा बनाने का प्रस्ताव रखा। यानी कि कहने का मतलब, हिंदी
वहां की जो भी स्थानीय भाषा होगी वो अनिवार्य कर दी जाएगी, और जो अंग्रेजी होगी या फिर कोई और अन्य भाषा है तो वैकल्पिक का मतलब ये होता है कि उसे आप चुन भी सकते हैं, नहीं भी चुन सकते हैं, आपके पास ऑप्शन रहेगा। कोठारी आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1967 में त्रिभाषा सूत्र को स्वीकार कर लिया गया, परंतु इसे धरातल पर नहीं लाया जा सकता। आप समझिए, दो सूत्री भाषाओं की इसलिए बात की जाती है, आप सोचिए इंग्लिश, आज के समय में इंग्लिश हर किसी के लिए जरूरी है, फिर कोई भी किसी भी राज्य में या फिर किसी भी देश में रह रहा हो, आप समझ रहे हैं कि इंग्लिश का कितना महत्व है हमारी जिंदगी में, आप समझ सकते हैं कि बेहतर। तो याद रखिए, जो भी दक्षिणी राज्य है या बाकी राज्य है, वो इंग्लिश को तो रखना चाहेंगे, क्योंकि वो चाहेंगे कि हमारे यहाँ की बाहर विदेशों में भी हमारे यहाँ के लोग नौकरी करने जाए, तो ऐसा देखा जाएगा, ठीक है। लेकिन हिंदी पर उनकी विरोध करने लगते हैं, हिंदी का क्या है आपकी त्रिभाषा सूत्र, पहली भाषा या मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी, दूसरी भाषा हिंदी भाषी राज्यों में या अन्य आधुनिक भारतीय भाषा या फिर अंग्रेजी होगी, गैर हिंदी भाषी राज्यों में या हिंदी या फिर अंग्रेजी होगी, तीसरी भाषा की बात करें तो हिंदी भाषी राज्यों में या अंग्रेजी या एक आधुनिक भारतीय भाषा होगी, गैर हिंदी भाषी राज्य में या अंग्रेजी या फिर एक आधुनिक भारतीय भाषा होगी। त्रिभाषा सूत्र की अगर आवश्यकता की बात करें हम लोग, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भाषा सीखना बच्चे के संज्ञानात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका प्राथमिक उद्देश्य बहुउद्देशीयता और राष्ट्रीय सद्भाव को बढ़ावा देना है। त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य हिंदी व गैर हिंदी भाषी राज्यों में भाषा के अंतर को भी समाप्त करना है। इसके अंतर्गत एक आधुनिक भारतीय भाषा का अध्ययन शामिल था। अधिमानता हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी और अंग्रेजी के अलावा दक्षिणी भारतीय भाषाओं में से कोई एक है। गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी भाषा का क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी भाषा के साथ अध्ययन किया जाना शामिल था। एक बात और याद रखिए, अभी जिस तरह से हम कहते हैं ना कि हमारा एक संविधान है, इसे हम लोग राष्ट्रीयता की या फिर आप समझ सकते हैं राष्ट्रवाद के रूप में मानते हैं, फिर चाहे आपका ध्वज यानी कि झंडा हो गया, संविधान हो गया, अगर आपके देश में पूरी तरह से राष्ट्रीय भाषा बन जाती तो एक हम लोग एकता में के सूत्र में इससे भी बन सकते थे, भाषा के आधार पर भी, समझ रहे हैं। धर्म के आधार पर तो हम लोग बन नहीं सकते हैं, क्योंकि आप देखते हैं हमारे यहाँ तरह तरह के धर्म, मतलब अलग अलग हिंदू मुस्लिम ईसाई जैन बौद्ध सब लोग रहते हैं, धार्मिक विविधता तो बहुत देखी जाती है। अगर इसके सामने चुनौतियों की हम लोग बात करें तो दक्षिण भारत में व्यापक विरोध, दक्षिण भारत में हिंदी विरोध की शुरुआत स्वतंत्रता से पूर्व ही हो गई थी। वर्ष 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में मद्रास प्रेसिडेंसी में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला और शासन की बागडोर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के हाथ आई, जिन्होंने राज्य में हिंदी की शिक्षा को बढ़ावा देने को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। अप्रैल 1938 में मद्रास प्रेसिडेंसी के लगभग 125 माध्यमिक स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य भाषा के रूप तौर पर लागू कर दिया गया। तमिलों में इस निर्णय की प्रतिक्रिया देखी और जल्द ही इस विरोध ने एक जन आंदोलन का रूप ले लिया। अन्नादुरई ने इस आंदोलन को अपनी राजनीतिक पहचान स्थापित करने का उपकरण बना लिया और यह आंदोलन लगभग आपका 2 वर्ष तक चला। कितने? 2 वर्ष तक। ब्रिटिश शासन ने समाप्त की हिंदी की अनिवार्यता, यानी कि जो ब्रिटिश शासन था उन्होंने इसे समाप्त कर दिया। वर्ष 1939 में राजगोपालाचारी की सरकार ने त्यागपत्र दे दिया और फिर ब्रिटिश शासन ने सरकार के फैसले को वापस लेते हुए हिंदी की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया। तब यह आंदोलन थम अवश्य गया, मगर यहाँ से राज्य में हिंदी विरोधी राजनीति का जो बीजारोपण हुआ जो आगे फलता फूलता ही रहा। कई पार्टियों का आप देखिए, इसी आंदोलन के कारण कई पार्टियों का उदय भी हुआ है, आप समझ रहे हैं। तमिलनाडु के लिए राजनीतिक मुद्दा की बात करें तो वर्ष 1967 में इस हिंदी विरोधी आंदोलन पर चढ़कर एक राजनीतिक दल डेविड मुन्नेत कड़गम, जिसे आप लोग डीएमके भी कहते हैं, तमिलनाडु की सत्ता हासिल करने में कामयाब हो गई। इसी के साथ हिंदी विरोध दक्षिण खासकर तमिलनाडु की राजनीति का एक आवश्यक उपकरण बन गया, जो आज भी यथावत बना हुआ है। हिंदी भाषी राज्य भी उत्तरदायी। दक्षिण भारतीय राज्यों में हिंदी भाषा के विरोध का अवसर देने के लिए काफी हद तक हिंदी भाषी राज्यों के लोगों का दक्षिण भारतीय भाषाओं के प्रति
उदासीन रवैया भी जिम्मेदार है। हिंदी भाषी राज्यों में तमिल तेलुगु जैसी भाषाओं को सीखने सिखाने की प्रति कोई उत्साह नहीं दिखाई देता है, इसलिए दक्षिण भारतीय राज्यों में भी हिंदी भाषा के प्रति कोई विशेष लगाव नहीं है। तमिलनाडु के बारे में अगर हम बात करें तो आप देखेंगे, सबसे पहले मैप में चलते हैं हम लोग, एशिया में हमारा प्यारा भारत है, ये हमारा एशिया में प्यारा भारत, इसे आप देखेंगे तो ये आपका पड़ोसी श्रीलंका हो गया, दिख रहा होगा, ये बांग्लादेश है जिससे हमारी सबसे ज्यादा विस्तार है, मतलब सीमा लगती है, ये म्यांमार हो गया, भूटान, नेपाल, ऊपर आपका चीन हो गया, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से पीओके वाला यानी कि सबसे कम सीमा हमारी अफगानिस्तान से लगती है। ठीक है, इसके बाद आप राज्य देखेंगे तो यहाँ आप देखेंगे ऊपर से यहाँ तमिलनाडु की बात की जा रही है, तो तमिलनाडु ये है आपका तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु। अगर यहाँ की राजधानी की बात करें तो चेन्नई है, ठीक है, क्या है राजधानी, चेन्नई है। यहाँ विधानसभा की बात करें तो एक सदनीय है जिसमें 235 सीटें हैं विधानसभा में, और राज्यसभा में 18 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 39 सीटें हैं। ठीक, भाषा नीति पर अगर तमिलनाडु मॉडल की बात करें तो वर्ष 1968 के बाद तमिलनाडु ने द्विभाषा नीति के अंतर्गत तमिल और अंग्रेजी भाषा को अपनाया, यानी कि तमिल उनकी क्षेत्रीय भाषा हो गई और अंग्रेजी उनकी एक मतलब द्विभाषा में इन दोनों को शामिल किया गया है, और अगर त्रिभाषा मान लेते तो तीसरी हिंदी आपकी शामिल हो जाती है। दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु में वैश्वीकरण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए संपर्क भाषा के रूप में अंग्रेजी को महत्व दिया गया है। अंग्रेजी भाषा के ज्ञान ने तमिल लोगों को विकास के बेहतर अवसर भी प्रदान किए हैं। तमिलनाडु समेत दक्षिण भारतीय राज्यों में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी पर्यावरण के विकास में अंग्रेजी भाषा व तकनीकी ज्ञान का बड़ा योगदान भी रहा है। घरेलू स्तर पर अपनी क्षेत्रीय भाषा तमिल तेलुगु के विकास ने बंधुत्व की भावना में विकास भी किया है। एक तरह से आप क्षेत्रीय बात को भी बढ़ावा मिलता है, इससे याद रखिए कोई भी क्षेत्रीय भाषाओं के द्वारा या फिर आपकी देखते हैं कि क्षेत्रीय बात आप इसे आज़ादी के पहले भी देखते थे, अपने अपने क्षेत्र का विकास करके अपनी क्षेत्र की कोई खास पहचान बनाकर उसी को वो क्षेत्रवाद का रूप दे देते थे और एक एकता भी जुड़ाव हो जाती थी। तमिलनाडु में हिंदी का प्रसार की बात करें तो तमिलनाडु का हिंदी भाषा के प्रति विरोध छात्रों को राष्ट्रीय संपर्क भाषा के रूप में हिंदी भाषा को सीखने से वंचित कर रहा है। हालांकि हिंदी भाषा की स्वैच्छिक शिक्षा को कभी भी प्रतिबंधित नहीं किया गया है और CBSE की स्कूल की संख्या में पिछले एक दशक में वृद्धि हुई है जहाँ हिंदी भाषा का अध्ययन कराया जाता है। चेन्नई स्थित 102 वर्ष प्राचीन दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा हिंदी भाषा के संरक्षण के लिए लगातार कार्य कर रहा है। प्रचार सभा के शताब्दी वर्ष में दक्षिण भारत में सक्रिय हिंदी प्रचारकों का 73% हिस्सा तमिलनाडु से संबंधित था। अगर हम भाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधानों की बात करें, संविधान में इसका प्रावधान कहाँ रखा गया है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है। अनुच्छेद इसमें क्या कहा गया है कि नागरिकों के किसी भी वर्ग जिसकी स्वयं की विशिष्ट भाषा, लिपि या फिर संस्कृति है उसका संरक्षण करने का अधिकार होगा उसे। अनुच्छेद 343 आर्टिकल 343 में कहा गया है कि भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा से संबंधित इस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी देवनागरी लिपि में होनी चाहिए और अंकों के संदर्भ में भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप का अनुसरण किया जाना चाहिए। इस अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि संविधान को अपनाए जाने की शुरुआती 15 वर्षों तक अंग्रेजी का आधिकारिक भाषा के रूप में उपयोग जारी रहेगा, पर इसे और आगे बढ़ा दिए गए हैं। अनुच्छेद 346 राज्यों और संघ एवं राज्य के बीच संचार हेतु आधिकारिक भाषा के विषय में प्रबंध करता है। अनुच्छेद के अनुसार उक्त कार्य के लिए अधिकृत भाषा का उपयोग किया जाएगा। हालांकि यदि दो या फिर दो से अधिक राज्य सहमत हैं तो उनके मध्य संचार की भाषा हिंदी होगी, तो आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी का उपयोग किया जा सकता है। अनुच्छेद 347 क्या कहता है, किसी राज्य की जनसंख्या के
कि किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध है या अनुच्छेद राष्ट्रपति को किसी राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में एक भाषा को चुनने की शक्ति भी प्रदान करता है। यदि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए तो वह निर्देश दे सकता है कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या फिर उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए जो वह विनिर्दिष्ट करे शासकीय मान्यता दी जा सकती है। अनुच्छेद 350A प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करता है। अनुच्छेद 350B भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान करता है। विशेष अधिकारी को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। यह भाषाई अल्पसंख्यकों के सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करेगा तथा सीधे राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। तत्पश्चात राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत कर सकती है या फिर उसे संबंधित राज्य या फिर राज्यों की सरकारों को भी भेज सकता है। लास्ट में कह सकते हैं हम लोग कि इस प्रकार त्रिभाषा सूत्र राज्यों के बीच भाषाई अंतर को समाप्त कर राष्ट्रीय एकता में वृद्धि का विचार रखता है। हालांकि यह भारत की जातीय विविधता को एकीकृत करने के लिए एकमात्र उपलब्ध विकल्प नहीं है। तमिलनाडु जैसी राज्यों ने अपनी भाषा नीति के साथ न केवल शिक्षा मानक स्तरों को बढ़ाने में कामयाबी हासिल की है बल्कि त्रिभाषा सूत्र को अपनाए बिना राष्ट्रीय अखंडता को भी बढ़ावा दिया है। इसलिए त्रिभाषा सूत्र पर व्यापक विचार विमर्श की आवश्यकता है। याद रखिए अगर एक हो जाता है सक्सेस हो जाता है त्रिभाषा सूत्र तो आप सोचिए एक हमारी राष्ट्रीयता को और बल मिलेगा। एक तरह से आपका हिंदी भी राष्ट्रीयता को एक या फिर सबको जोड़कर रख सकती है। ठीक है, तो ये था आपका त्रिभाषा सूत्र की पूरी कहानी। ठीक है।